इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप हमसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। ये सुविधा बहुत अच्छी लगी हमें, हम कल भी इसको करेंगे, कल नंबर बदल देंगे, कल भी करें, कल बताएंगे, कल भी 8 बजे करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीज़ है, नया प्रयोग है। जो लोगों की भावनाएं हैं वो कोशिश है, दिन ना रात कोई अतृप्त ना रहे, हमारी 24 घंटे कोशिश है। और चिंता मत करना, किसी ना किसी मोड़ पे हम मिलेंगे तुमसे, पक्का है मेरे पागल, मिलेंगे। लेकिन तुम बालाजी को तो हो जाओ, तभी तो मिलेंगे हमेशा के लिए, 2-4 दिन के लिए नहीं, मिलने के चक्कर में हो जाओ तुम, नहीं 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 हमेशा के लिए हो जाओ, हम मिलेंगे, ये तय है, एक ना एक दिन हम आपको मिलेंगे। और कोई विरोध करे ना, घबराया मत करो, बोलने दो ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार कोई बोले, अभी तो लोग बोलेंगे कहाँ चक्कर में पड़े, तुम बोल देना, तुम्हारे पास तो बढ़िया जवाब होना चाहिए कि हम महाराज जी के चक्कर में नहीं पड़े, हम तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। कितना बढ़िया जवाब है, और इंसान धोखा देता है, भगवान नहीं देता, बढ़िया जवाब दो। तुम्हें कोई कुछ भी बोले हमारे नाम से, अपना मन खिन्न, उल्टा उसके सामने जय बागेश्वर धाम बोल दिया करो। कोई बोले कि तुम्हारे महाराज जी थे, तुम्हें कह दिया करो वजह हम बागेश्वर वाले हैं, और कोई बोले अरे तुम उनसे जुड़े हो, तो बैनर टांग देना घर के बाहर, और जलने वालों को जलाओ। शुरू करते हैं, कुछ संदेश भी लेंगे, और फोन, पहला फोन किसी का भी आ रहा हो लेते हैं। जय सियाराम। गुरु, हेलो, श्री सीताराम। सीताराम गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बागेश्वर धाम की जय। बोलो बहन जी। गुरु जी मेरा नाम उमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज्ञा करो बहन। गुरु जी मेरे घर में थोड़ी समस्या रहती है, और क्या मेरे पति भी सही रहते हैं, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है। गुरु जी मुझे कोई उपाय बता दीजिए, मैं 5-6 महीने से यूट्यूब से बालाजी से जुड़ी हुई हूँ। आप अभी धाम नहीं पहुँचे कभी? नहीं गुरु जी, मैं 6-7 महीने हो रहे हैं, मैं धाम नहीं पहुंची, लेकिन मैं घर में बालाजी की मैंने फोटो के वगैरह भी लगाई हुई है, और मैं क्या कहते हैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ गुरु जी। और आप चौपाई वाला उपाय कर लीजिए, एक नया प्रयोग कर लीजिए, 3 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में रोगी को सबको जो है बांध दीजिएगा 7 दिन के लिए जी गुरु जी। और कल हम सेना भेज देंगे सन्यासी बाबा के चरणों से प्रार्थना करके, उमा नाम से हम सेना भेज देंगे, और बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कल से ही आराम लगना। वैसे हमें जो अनुभव आ रहा है कि बीच में रिलीफ भी आपको हो गया था 1.5 माह के लिए। हाँ गुरु जी मुझे बहुत हाँ, आराम मिला। हाँ तो अब आपको फुल आराम चाहिए जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये प्रयोग करिए, और घर पर जो है हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए एवरी डे, और बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दीजिए, जाओ पर्चा बने या ना बने कृपा हो जाएगी। ठीक बहन, ठीक है गुरु जी, बहुत आशीर्वाद। अगला कॉल फिर आया। जय सियाराम। सीताराम, भगवान कहाँ से बोल रहे हैं? सीहोर से। सीहोर मध्य प्रदेश। जी जी जी। क्या नाम है भगवान आपका? गोविंद। बोलो भगवान। आशीर्वाद बनाए रखना बस। सदैव जीवन भर कृपा रहे गोविंद भगवान। धाम आए कभी? नहीं आया। अरे मोरे प्यारे, कभी बालाजी के चरणन में आओ, हम तो पगला मूर्ख आदमी है, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आओ, जाओ सब काम सफल हो जाए। एक जो अनुभव कर पा रहे हैं कि एक काम आपका रुका पड़ा है व्यापार संबंधी, हाँ वो पूरा हो जाएगा, जाओ खूब जीवन भर अब हम तुम्हारे हैं भैया, खूब कृपा बनी रहे तुम पे, भगवान तुम्हारी सब अलाए वलाए दूर रखे प्यारे। आना परिवार को लेकर आना गोविंद, खूब आशीर्वाद। जुग जुग। अगला कॉल। एक साथ बहुत कॉल आ रहे हैं, जो तब तक एक मैसेज उठा लीजिए। गुरुदेव, ये भारती मीना जी हैं, इनका सवाल है, जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ तब से मेरा धाम के अलावा मन ही नहीं लगता है, इस कारण से ना मैं पढ़ पा रही हूँ और दिन भर आपकी वीडियो देखते रहती हूँ, हाँ मैं क्या करूँ? हाँ बालाजी को तो भजना ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, भजन भक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। तो भारती बहन, आप सबसे पहले तो जो है बालाजी को ध्यान रहिए, पर अपना फोकस लक्ष्य, और लक्ष्य को ही बागेश्वर बालाजी की भक्ति मानिए।